वाल्मीकि जी ने जब अपनी रामायण लिखी तो नारद मुनि ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो पाए थे। नारद मुनि ने देखते ही कहा कि अच्छी है, लेकिन तुमसे अच्छी तो हनुमान की है। वाल्मीकि जी शॉक थे, उन्होंने कहा कि क्या हनुमान ने भी रामायण लिखी है। वो हनुमान के खोज में निकले। वो जंगल पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि केले का पेड़ था और केले के पेड़ के 7 पत्तों पर रामायण लिखी हुई थी और इतनी अद्भुत लिखी थी। एक एक शब्द उसका चयन जो किया गया था, व्याकरण यानी कि ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट, सुर लय ताल, इससे परफेक्ट उन्होंने जीवन में कुछ देखा नहीं था। इतना अच्छा लगा कि वो अपने आंसुओं को रोक न पाए और रो पड़े। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इतना बुरा लिखा है कि तुम रो रहे हो। वाल्मीकि जी ने कहा, इतना अच्छा लिखा है कि मैं अपने आंसुओं को रोक न पाया। हनुमान जी ने कहा, ठीक है तो फिर ये बताओ कि रो क्यों रहे हो। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि तुमने लिखी हुई रामायण इतनी अच्छी है कि मेरी लिखी हुई रामायण तो अब कोई पढ़ेगा भी नहीं। ये सुनते ही हनुमान जी ने वो केले के 7 पान फाड़ना शुरू कर दिया। उन्हें रोकते हुए वाल्मीकि जी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझसे ज्यादा तुम्हें इस रामायण की आवश्यकता है। मैंने रामायण सिर्फ इसलिए लिखी है कि मैं राम को याद कर पाऊं, और तुमने रामायण इसलिए लिखी है कि इस रामायण को पढ़ के लोग तुम्हें याद रखें। तभी वाल्मीकि जी को एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया है वो नाम ना पाने के लिए, लेकिन जो हनुमान ने किया है वो अपना प्यार, प्रेम और समर्पण उसका प्रतीक है। वाल्मीकि ने जो किया था वो पाने के लिए, लेकिन जो हनुमान ने किया है वो देने के लिए, अपना भाव, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि राम से भी बड़ा है तो राम का नाम। अर्थात हमारे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे हनुमान जो कि नामना के लिए या नेम फेम हासिल करने के लिए नहीं, बस अपना कार्य करते हैं। और वो हनुमान हमारे जीवन में आ सकते हैं किसी भी रूप में, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या किसी दोस्त के रूप में, बस हमारा साथ देते हैं, कार्य किए जाते हैं। और असली धन्यवाद के हकदार ऐसे ही लोग तो होते हैं जो किसी मंशा से कोई कार्य नहीं करते, बस करते हैं हमारा साथ देने के लिए। उन सारे ही हमारे जीवन में आने वाले हनुमान स्वरूप को नमस्कार, धन्यवाद कहने की सुबह आई है। नववर्ष की ये सुबह आपको मुबारक हो। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार आपके पूरे परिवार को, नववर्ष की शुभकामनाएं। जय हनुमान, बजरंग बली की जय हो, जय श्री राम। अगर मेरी कही हुई कहानियां आपको पसंद आती हैं तो मेरी इस ओनली एंड ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं तो आपको पता चल जाए।